ansiyada kalash kerek davrda. Tabii ya tam bir şeyde var aydı. Bas dur. Turning hand. Fatih and action. इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। वियान ने घर पर रखा अखंड पाठ, तैयारी के लिए ली कथा की मदद, उसे बुलाया। स्टोरी टीवी के शो कथा अनगई के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वियान अब समिता के इल्जाम से क्लीन चिट मिलने के बाद अपने घर पर अखंड पाठ रखना चाहता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम से वो बाहर निकल के आया है और उसे निकाला है इसमें कथा ने, ऐसे में वो अपने घर पर अखंड पाठ रखता है और वो कथा को दरअसल इस पाठ के लिए बुलाता है अपनी मदद के लिए भी। वेल, घर में चल रहा है अखंड पाठ और कथा और विवान के बीच चल रही है एक अजीब सी कश्मकश। जी हाँ, दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने को है बेताब। आइए जानते हैं कथा से क्या है सारा माजरा। तो जो शमिता ने केस किया था वियान पे, ही इज़ कम आउट क्लीन फ्रॉम दैट, इसलिए उनकी मम्मा तेजी ने उनके घर में पाठ रखा है और इसलिए पूरे अर्थकॉन के एम्प्लॉई सबको बुलाया गया है और मुझे स्पेशली वियान ने बुलाया था टू हेल्प हिम। और मैं उनकी हेल्प करने आई और मैंने उनके साथ हलवा बनवाया, जो मतलब यहाँ का कड़ा प्रसाद होता है, वो प्रसाद बनवाया। और अब सब लोग आए हैं जिसमें मेरे ससुर जी, मिस्टर गरेवाल, रीत, वो सब भी आए। मुझे लगता है कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है, देयर समथिंग और द अदर जो हमें कहीं ना कहीं, सम फ्रेंड, सम योर लाइफ और समबडी, कहीं ना कहीं देयर समथिंग विच बॉदर्स यू। सो आई थिंक ऐसे ही हमारे टीवी शोज में भी होता है, बट ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वियान फील कर रहे हैं और कथा को लेकर, अभी तक वो मुझे डायरेक्टली बोल नहीं पाए और मुझे कुछ कुछ आई सेंस इट दैट हाउ इज़ ही फीलिंग, और मैं भी उनको क्लियरली बताना चाहती हूँ पर अभी तक वो भी बता नहीं पाई हूँ।